हेलो एवरीवन सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम एम ए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर थर्ड के जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके आंसर की बात करेंगे क्योंकि ये आपका जो आंसर है ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से है और आपका एग्ज़ाम भी ट्वेंटी एट्थ को ही है परसों ही है सो so इस पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कसन नहीं करेंगे सिर्फ मेन मेन पॉइंट बताते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे और साथ में रही ये आंसर की बात तो इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओके सो so आइए देख लेते हैं सो so जो हमारा पहला क्वेश्चन था ये पेपर थर्ड में लिंग्विस्टिक्स एंड ई का ये लैंग्वेज पर था वॉट इज लैंग्वेज इसका ऑरिजिन डेवलपमेंट और यूज ऑफ लैंग्वेज इन लिंग्विस्टिक्स सो लैंग्वेज है क्या अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं सो so लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें ग्रामर और वोकेबलरी दोनों ही आता है ये एक प्राइमरी मीन्स है या कह सकते हैं प्राइमरी साधन है जिसके द्वारा ह्यूमन बींग अपने मैसेज को या किसी मीनिंग को कन्वे करता है या तो स्पोकन फॉर्म में या तो रिटन फॉर्म में सो थोड़ा सा इंट्रो देके ये स्टार्ट करना है हमें ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको पहले इंट्रो में थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में हम बता देंगे कि लैंग्वेज है क्या फिर डिफिनेशन में ये दो राइटर की डिफिनेशन मैंने मेंशन कर दी है एक हेनरी स्वीट की है और एक अमेरिकन लिंग्विस्ट लिंग्विस्ट बर्नर्ड ब्लॉक और जॉर्ज एल ट्रेजर की है इसके बाद आपको मालूम ही है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज लैंग इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स सो लिंग्विस्टिक क्या है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज सो so, इसके आगे ये डेवलपमेंट और यूज़ ऑफ लैंग्वेज ये सब इसमें मैंशन है आप लोग प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा और इस पर ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे नहीं फिर हाँ अगला क्वेश्चन है आपका वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज सो ह्यूमन लैंग्वेज की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है सो so, लैंग्वेज एक सोशल फिनमिना है मेन मेन पॉइंट आप डिस्कस करते हुए चलिए तो so, आपको इग्जाम इसमें याद क्या रखना है जैसे एग्जाम में आपको मेन मेन पॉइंट ही याद रखना है कि लैंग्वेज इज़ अ सोशल फिनोमिना लैंग्वेज इज़ द मेन मींस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन ये सारे ह्यूमन लैंग्वेज की की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको यही सारे मेन पॉइंट याद रखने हैं उसके बाद आप बनाकर इसके अंदर दो चार लाइन ही लिखी लेंगे वेरी इजी वे में लैंग्वेज इज बेसिकली वोकल लैंग्वेज इज़ यूनिक कॉम्प्लेक्स क्रिएटिव एंड मॉडिफिएबल सो so, इस तरह से करके सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आठ नौ दी हुई हैं फिर हमारा नेक्स्ट है वाई लिंग्विस्टिक्स इज अ साइंस या हाउ लिंग्विस्टिक्स इज अ साइंटिफिक स्टडी सो लिंग्विस्टिक्स साइंस क्यों है या तो साइंटिफिक या लिंग्विस्टिक्स साइंटिफिक स्टडी क्यों कहला कैसे है सो so, आपको मालूम है कि लिंग्विस्टिक्स क्या है लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज सो इट इज कॉल्ड अ साइंटिफिक ये साइंटिफिक क्यों कही जाती है बिकॉज इट इंटेल्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव एंड प्रिसाइज एनालिसिस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज सो इसको भी आंसर आप लोग प्लीज देख लीजिएगा फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी सो फोनेटिक्स क्या है फोनेटिक्स जो है ये कॉन्क्रीट स्टडी ऑफ साउंड्स है और फोनोलॉजी क्या है फोनोलॉजी इज द एब्स्ट्रैक्ट स्टडी ऑफ साउंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें भी ये डिफरेंस भी मैंने बता दिया है सो so, आपको स्क्रीन नहीं लेना है क्योंकि आपको पी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी सो फोनीम क्या है सो फोनीम स्मॉलेस्ट फोनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच ये जो स्पीच की सबसे छोटी यूनिट फोनिम कहलाती है और ये फोनिम पे बेस्ड है बेस्ड ऑन स्पोकन लैंग्वेज इसके बाद है कितने टाइप्स ऑफ इंग्लिश साउंड होते हैं सो so, अगर अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी फोर साउंडस बताए गए हैं देख लीजिएगा इसको भी किस इस तरह से इसका डिवीजन किया गया है नेक्स्ट है नेक्स्ट so, so, है आपका ट्रांसक्रिप्शन सो ट्रांसक्रिप्शन इज द सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इन रिटर्न फॉर्म सो जो स्पोकन लैंग्वेज है उसका ये सिस्टेमैटिक रिप्रेजेंटेशन है किस फॉर्म में रिटर्न फॉर्म में आगे बढ़ते हैं हाँ सिलेबल फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सिलेबल पे सिलेबल का है तो सिलेबल क्या है असेजमेंट ऑफ स्पीच दैट कंसिस्ट ऑफ अ वोवेल और विदाउट वन और मोर अंपनी कॉन्सोनेंट साउंड्स अगला आपका है हाँ ये भी आपका क्वेश्चन लॉन्ग पे है कि व्हाट इज मोफोलॉजी इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में मोफोलॉजी क्या है सो मोफोलॉजी की अगर हम डिफिनेशन की बात करते हैं सो मोफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर सो मोफोलॉजी क्या होता है मोफोलॉजी ये स्टडी ऑफ वर्ड है शब्दों की स्टडी है और इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम मोफोलॉजी में पढ़ते हैं फिर इसको भी आप लोग देख लीजिएगा ये क्या है अप्रोचेस टू स्टडी इन मोफोलॉजी कौन कौन से अप्रोच हैं बेसिकली थ्री अप्रोच बताए गए हैं मोफीम बेस्ड अप्रोच द लेगजीम बेस्ड अप्रोच और द वर्ड बेस्ड अप्रोच इसके बाद है मोफीम क्या है किसी भी शब्द में मोफिम क्या है वॉट इज अ मोफीम इन अ वर्ड सो मोफीम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ वर्ड और बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मोफीम बताई गई है पहला फ्री मॉफीम सेकेंड है बाउंड मॉफीम इसकी डिफिनेशन भी देख लीजिएगा अगला है वर्ड फॉर्मेशन सो वर्ड फॉर्मेशन क्या है वर्ड फॉर्मेशन एक एम्बिगस टर्म है सो so, इसको वर्ड फॉर्मेशन इट कैन रिफर टू आइदर द प्रोसेस थ्रू विच वर्ड कैन चेंज और द क्रिएशन ऑफ न्यू लेग इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज सो टाइप्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इसमें फोर टाइप्स के वर्ड फॉर्मेशन इसको कैटेगराइज किया गया है जैसे बाय एडिंग प्रीफिक्स प्रीफिक्स ऐड करके सफिक्स ऐड करके करके और कन्वर्ट कन्वर्टिंग फ्रॉम वन वर्ड क्लास टू अनदर और ये फोर्थ है आपका फॉर्मिंग कंपाउंड वर्ड्स इसके बाद है ये आपके जो वर्ड फॉर्मेशन है इसके एग्जाम्पल भी दिए हैं आप लोग इसको देख देख लीजिएगा फिर हाँ डेरीवेशन क्या है सो डेरीवेशन इन डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स एंड ट्रेडिशनल ग्रामर द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ड बाई चेंजिंग द फॉर्म ऑफ बेस और बाई एडिंग एफिक्स टू इट सो जो ये डेरीवेशन है ये एक मेजर सोर्स है किसका न्यू वर्ड्स का इन अ लैंग्वेज अगला आपका मेजर क्या डिफरेंस है बिटवीन डेरीवेशन और इन्फ्लेक्शन So, जो इन्फ्लेक्शन होता है ये मोफोलॉजिकल सिस्टम है फॉर मेकिंग वर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ड वहीं जो डेरिवेशन है ये एक प्रकार का वन ऑफ द मोफोलॉजिकल सिस्टम फॉर मेकिंग न्यू वर्ड्स। अगला है आपका क्या डिफरेंस है बिटवीन सिंटैक्स और सिमेंटिक एनालिसिस सो सिंटैक्स और सिमेंटिक एनालिसिस ये दोनों वर्ड किससे एसोसिएट करते हैं दोनों एसोसिएटेड हैं स्टडी ऑफ लैंग्वेज से लेकिन जो लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो उसमें ये दोनों का जो मीनिंग है वो अलग अलग होता है सो so, सिंटैक्स की बात करते हैं सो सिंटैक्स रिफर्स टू द रूल्स ऑफ ग्रामर इन सेंटेंस स्ट्रक्चर द वे वर्ड्स आर ऑर्डर टू फॉर्म सेंटेंस सो so, सिंटैक्स क्या रिफर करता है ग्रामर्स के जो रूल हैं किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में ग्रामर के रूल को रिफर करता है किस प्रकार से वर्ड्स को एक क्रम में रखा जाता है टू एक सेंटेंस के उस फॉर्म में लाने के लिए इसके बाद आप लोग एग्जांपल इसमें देख लीजिएगा फिर आपका है सीमेंटिक सीमेंटिक क्या है सीमेंटिक्स रिफर्स टू द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस किसी भी सेंटेंस का जो मीनिंग uh, होता है वो सीमेंटिक होता है फिर है आपका इसमें भी एग्जाम्पल दिया हुआ है इंटरमीडिएट कॉन्स्टुंट क्या है सो इंटरमीडिएट कॉन्स्टुंट या इमीडिएट कॉन्स्टुंट एनालिसिस ये एक सिस्टम है किसका ग्रामेटिकल एनालिसिस का जो सेंटेंस को डिवाइड करता है लेयर्स में सो so, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे हमारा सेंटेंस है द ओल्ड मैन रैन अवे अगर इसको हम डिवाइड करते हैं इस सेंटेंस को तो पहले क्या हो जाएगा द ओल्ड मैन से एक पार्ट रैन अवे सेकेंड पार्ट फिर अगर हम फिर से ये डिवीज़न करेंगे द ओल्ड मैन को तो द अलग हो जाएगा ओल्ड मैन हो जाए अलग हो जाएगा फिर अगर हम उसको इसका डिवीज़न करेंगे ओल्ड मैन का सो so ओल्ड अलग हो जाएगा और मैन अलग हो जाएगा और ये जो दो जो टर्म है इमीडिएट कॉन्स्टेंट एनालिसिस ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया है ये यूनाइटेड स्टेट्स लिंग्विस्ट लियोनार्ड ब्लूमफील्ड के द्वारा 1933 में इंट्रोड्यूस कराया गया है अगला देख लेते हैं कि ये लेक्सिकल रिलेशन इन सीमेंटिक्स क्या है सो लेक्सिकल रिलेशंस क्या है ये लेक्सिकल रिलेशंस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीमेंटिक रिलेशंस होते हैं जो क्या एक्सप्लोर करते हैं मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में जो मीनिंग ऑफ वर्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं नेक्स्ट है हमारा स्पीच एक्ट ये आपका शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में ये सारे आंसर्स बनेंगे आपके सो स्पीच एक्ट क्या है इस्पीच एक्ट इज समिंग एक्सप्रेस बाय एन इंडिविजुअल दैट नॉट ओनली प्रजेंट्स इंफॉर्मेशन बट परफॉर्म्स एंड एक्शन एज वेल सो स्पीच एक्ट ये इंडिविजुअल के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है जो ना केवल इंफॉर्मेशन बल्कि उसके परफॉर्मेंस या उसके एक्शन को भी दिखाता है इसके बाद है कि क्या क्या सिमिलैरिटीज है और डिफरेंस है बिटवीन क्लॉज एंड फ्रेज सो फ्रेज और एंड क्लॉज बोथ आर इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दोनों शब्दों के इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं और दैट मेक सेंटेंस क्लॉज आर कंप्लीट जो क्लॉज होते हैं ये कंप्लीट थॉट को दिखाते हैं और कैन फंक्शन ऑन देयर देअ वही जो आपका जो क्लॉज है वो कंप्लीट थॉट दिखाएगा लेकिन ये जो आपका फ्रेज है वो कंप्लीट थॉट नहीं दिखाएगा सो जस्ट वन मिनट हाँ क्लॉज क्या है uh, क्लॉज में आपको जो भी क्लॉज ये कंप्लीट थॉट्स रिप्रेजेंट करता है वहीं जो फ्रेज है ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट मॉडिफाइज द सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेकिन ये कंप्लीट थॉट नहीं रिप्रेजेंट करता है ठीक अगला हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन सो अगर हम मेन डिफरेंस की बात करते हैं सो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है ये सब कॉन्सियस लर्निंग है वहीं जो लैंग्वेज लर्निंग है ये एक कॉन्सियस लर्निंग है सो so आप लोग इसको अपना देखते देख लीजिएगा ये लैंग्वेज एक्विजिशन की स्टेज बताई गई है कि वंस टू सिक्स मंथ्स में प्री लिंग्विस्टिक स्टेज होता है इसके बाद सिक्स टू नाइन मंथ्स बेबलिंग स्टेज इस तरह से सारे स्टेज बताए गए हैं फर्स्ट लैंग्वेज स्टेज फिर सेकेंड लैंग्वेज स्टेज फिर लैंग्वेज लर्निंग क्या है इसके बाद है हमारा हाँ साइकोलिंग्विस्टिक्स का क्या स्कोप है डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड एप्लीकेशन सो साइकोलिंग्विस्टिक्स क्या है साइकोलिंग्विस्टिक्स या साइकोलॉजी ऑफ नेचर इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिट्वीन लिंग्विस्टिक फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट सो साइकोलिंग्विस्टिक्स में हम क्या क्या देखने हम को हमको मिलता है ये इंटर रिलेशनशिप को दिखाता है बिटवीन लिंग्विस्टिक फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बीच अगर हम एरिया ऑफ स्टडी की बात करते हैं सो so जो साइकोलिंग्विस्ट हैं वो किस किस चीज़ की बात करते हैं वो बेसिकली लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज कॉम्प्रीह कॉम्प्रीहेंशन और लैंग्वेज प्रोडक्शन और सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं और जो साइकोलिंग्विस्टिक्स हैं इनों ये कवर्स ये तीन मेन एस्पेक्ट्स को कवर करता है जिसमें लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन लैंग्वेज प्रोडक्शन और लैंग्वेज एक्विजिशन आते हैं सो so, ये तीनों की डिफिनेशन भी दी हुई है नेक्स्ट है आपका मेथड्स ऑफ इलस्ट्रेट द वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड रिकोगनाइज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच सो जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के जो वेरियस मेथड हैं जो आपके कोर्स में प्रेस्क्राइब हैं आप लोग प्लीज़ उसी को देखिएगा क्योंकि मैंने कुछ इसमें डाल दिया है इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश टीचिंग मेथड्स जैसे डायरेक्ट मेथड है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ऑडियो लिंगुअल मेथड है आप लोग प्लीज़ एक बार ये चेक कर लीजिएगा कि ये सारे मेथड आपके उसमें प्रिस्क्राइब्ड हैं कि नहीं मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया इसको अभी इसको वो करते समय फिर स्ट्रक्चरल अप्रोच ये सारे मेथड हैं फिर अगला आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको प्लीज़ माइंड में रख के चलिएगा व्हाट आर द मेन स्किल्स ऑफ लैंग्वेज सो मेन स्किल्स ऑफ लैंग्वेज आपको मालूम है मेज़र फोर इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं जिसमें लिसनिंग स्पीच रीडिंग और राइटिंग ये फोर बेसिक स्किल्स हैं लैंग्वेज की सो so, इस पर भी आपको कंटेंट इनफ मैंने इस पर भी वो कर दिया है Hmm. फिर है आपका इवेल्यूएट द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश या इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया सो इंग्लिश या इंग्लिश स्टडीज का किस प्रकार से विकास हुआ भारत में इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं इवेल्युएट करना है सो so, इसके बारे में भी मैंने ये इसका भी आंसर इनफ है जितना मैंने इसमें दिया हुआ है सो so, फ्रेंड्स ये आज का रहा हमारा जो क्वेश्चन थे उसके आंसर इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा सो so आप लोग प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा और आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा ओके थैंक यू थैंक यू सो मच अगर आपको कोई और और भी क्वेरीज हो रिलेटेड रिलेटेड एग्जामिनेशन या सो प्लीज़ यू कैन सेंड मी मैसेज Thank you. Thank you so much.